अगेन रीड दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम जस्ट आपको परफॉर्म क्या करना, सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर करना विद मैक्सिमम साइज एज 10। जस्ट नेक्स्ट कमिंग प्रोग्राम्स में जस्ट मैक्सिमम साइज आप ले सकते हैं 100 और 1000 बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। जस्ट एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम साइज डिक्लेयर कर रहा हूँ 10, जिससे मेरे लिए डायग्राम्स इजिली क्रिएट करना पॉसिबल हो। सपोज अगर एरे के अंदर आपने टोटल 10 आइटम्स क्रिएट किए हैं और 10 एलिमेंट्स के लिए अगर एरे क्रिएट किया है विद 10 एलिमेंट्स, लेकिन लॉजिकली इसके अंदर मीन्स जब 10 एलिमेंट्स के लिए एरे डिक्लेयर करें देन मेमोरी कितने एलिमेंट्स के लिए हुआ, एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स, और एक सिंगल एलिमेंट का साइज क्या हुआ 2 bytes। सपोज दैट टोटल 20 bytes एलोकेट हो रहे हैं इस केस में विद रिस्पेक्ट टू सच गिवन एरे। लेकिन इस केस में लॉजिकली एलिमेंट्स कितने मैनेज करेंगे, एन एलिमेंट्स। सपोज दैट अगर मीन्स रन टाइम पर एन के लिए आप कीबोर्ड से वैल्यू रीड करोगे, अगर रन टाइम पर कीबोर्ड से एन का वैल्यू रीड किया है 3, मीन्स एरे के केस में मैक्सिमम साइज क्या 10, तो इसलिए एलिमेंट कितने एलिमेंट्स के लिए एलोकेट हुआ, कितने एलिमेंट्स के लिए स्पेस एलोकेट हुआ इस केस में, एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स। लेकिन लॉजिकली इस केस में एरे का लॉजिकल साइज कंसिडर करोगे एन, नॉट अ मैक्सिमम साइज। अगर एन का वैल्यू रन टाइम पर 3 है देन आप लॉजिकली कंसिडर करोगे एरे के अंदर लॉजिकली कितने एलिमेंट्स मैनेज करेंगे, ओनली 3 एलिमेंट्स। मीन्स इस रिमेनिंग साइज को जस्ट इग्नोर करेंगे, ओनली कंसिडर क्या करेंगे, ओनली बिगिनिंग 3 एलिमेंट्स। अगर n का वैल्यू रन टाइम पर कीबोर्ड से 5 एंटर किया देन एरे के अंदर लॉजिकली कितने एलिमेंट्स मैनेज करेंगे, एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स, मीन्स लैपटॉप दैट साइड मीन्स बिगिनिंग 5 एलिमेंट्स, रिमेनिंग स्पेस को जस्ट इग्नोर करेंगे। सेम है अगर रन टाइम पर n का वैल्यू एंटर किया 10, देन इस केस में कंप्लीट एरे को कंसिडर करो एज अ यूजेबल साइज। लेकिन n का वैल्यू क्या होना चाहिए इस केस में, आप चाहो तो कंडीशन लगा सकते हो n शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू मैक्सिमम साइज ऑफ एरे। क्लियर? तो जस्ट इस स्टेप्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म करें। फर्स्ट वन, डिक्लेयर एन एरे विद 10 मैक्स साइज। जस्ट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सिंपली परफॉर्म किया, प्रोवाइड क्या कराना है, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले आपको क्लियरली मेंशन किया गया डिक्लेयर क्या करना है, एक इंटीरियर टाइप का एरे, और इसे इंटीरियर एरे का साइज प्रोवाइड करेंगे एज 10। जैसे ही इस केस में एरे क्रिएट होगा ए के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स के लिए स्पेस एलोकेट हो रहा है, करंटली 10 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम। क्लियर? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप एड्रेस आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, 100, 102, 104 एड्रेस डजंट मैटर। इनिशियली सभी एलिमेंट्स का डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाए, गार्बेज वैल्यू। नेक्स्ट वन, एरे के एलिमेंट्स को लूप्स के थ्रू प्रोसेस करने के लिए जस्ट एक्स्ट्रा वेरिएबल रिक्वायर्ड हुआ आई। वन मोर थिंग्स, नेक्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म कराना है, इसके इसमें रीड साइज ऑफ एरे यूजिंग स्कैनफ। जब आप एरे का साइज रीड करोगे इन द फॉर्म ऑफ एन, मीन्स एरे के लिए ऑपरेशन साइज 10 के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करेंगे, साइज एन के रिस्पेक्ट में, साइज एन के रिस्पेक्ट में, एन को रन टाइम पर कीबोर्ड से रीड कराएंगे। अगेन एरे का लॉजिकल साइज स्टोर करने के लिए एक और एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट करेंगे एज एन। देन थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग कैलकुलेट क्या करना, सम ऑफ ऑल एरे एलिमेंट। सपोज दैट अगर आपने एन का वैल्यू एंटर किया 3, देन कीबोर्ड से वैल्यू कितना रीड कराओगे, ओनली 3, जबकि एरे का कैपेसिटी क्या है 3 और 10 एरे के अंदर 10 एलिमेंट स्टोर कराना पॉसिबल। लेकिन अगर आपने एन का वैल्यू 3 प्रिपेयर किया इसके इसमें, देन एलिमेंट्स कितने मैनेज करो, ओनली 3, देन परफॉर्म क्या कराना, सम ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स, इस केस में क्या आएगा जस्ट 60। तो सम को स्टोर कराने के लिए अगेन एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट करें, समथिंग वेरिएबल नेम है सम और मे बी रिजल्ट। नेक्स्ट वेरिएबल क्या है इसके इसमें, सम विद इनिशियल वैल्यू ऑफ सम इज 0। सम का इनिशियलाइजेशन किससे करें, इसके इसमें 0 से। क्लियर? इस द रिक्वायर्ड वेरिएबल में सबसे पहले मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया। सेकंड स्टेप क्या है, इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जस्ट कितने वेरिएबल्स क्रिएट होंगे इस केस में, इंटीजर एरे ए इंडेक्स ए इसका एलिमेंट का नेम क्या, a0 a1 एंड सो ऑन। फाइनली एरे के एलिमेंट्स को लॉजिकली लूप के रिस्पेक्ट में कंसिडर करें a(i) बेस्ट केस है, क्योंकि a(i) का मीन क्या है, ऑल एलिमेंट्स। अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, ये ऑपरेशन सभी एरे एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होंगे। क्लियर? इनिशियल वैल्यूज के गार्बेज, इसके अलावा अदर वैल्यूज क्रिएट होंगे, वेरिएबल i, वेरिएबल n एंड वेरिएबल सम, i n एंड सम। क्लियर? सभी में इनिशियल वैल्यू क्या होगा, गार्बेज, लेकिन सम का वैल्यू मैंने मैनुअली इनिशियलाइज किया जाए 0। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट सेकंड स्टेप क्या, रीड साइज ऑफ एरे यूजिंग स्कैनफ। मीन सिंपली आपको एन के लिए वैल्यू रीड कराना, नथिंग एल्स, प्रिंट एफ। जस्ट आप चाहो तो मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो, हाउ मेनी एलिमेंट्स वांट टू स्टोर, और एंटर साइज ऑफ एरे।
क्लियर। देन एरे का साइज रीड डाउन करने की जस्ट बाद मीन्स एरे का साइज रीड कैसे कराओगे यूजिंग स्कैन एफ फंक्शन। तो स्कैन एफ के केसेस में जैसे जैसे स्कैन एफ फंक्शन का एग्जीक्यूशन परफॉर्म हुआ यानी एंटर्ड वैल्यू स्टोर कराएंगे इन साइड एन। सपोज दैट मैंने रन टाइम पर एन का वैल्यू एंटर किया 3, देन एन में कैसा हो जाएगा 3। बट सपोज दैट लेकिन एरे के अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट स्टोर करा सकते हो 10 एलिमेंट। तो इसके इसमें रिमेनिंग बेस्टेज स्पेस मीन्स आप ओनली कितने प्लेस यूज करने जा रहे हो ओनली 3 प्लेस। तो रिमेनिंग प्लेस कैसे हो अनयूज्ड मीन वेस्टेज ऑफ मेमोरी। दिस द लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ एरे। नेक्स्ट वन सपोज दैट अगर एन का वैल्यू मैंने टोटल 100 एंटर किया है देन आप सारे के सारे लॉजिक किसके रिस्पेक्ट में आगे इंप्लीमेंट करोगे एन के रिस्पेक्ट में। और एन का वैल्यू अगर 100 है तो एरे के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर कराने के लिए ट्राई करेंगे 100, जबकि एरे का कैपेसिटी कितना ओनली 10। तो इस केस में आप चाहो तो कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन क्या रहेगा इफ एन ग्रेटर देन मैक्स साइज ऑफ एरे। मैक्सिमम साइज क्या है 10। अगर एन का वैल्यू 10 से बड़ा है देन सिंपली इसके इसमें मैसेज डिस्प्ले करा लोगे प्रिंट एफ मेमोरी ओवरफ्लो। जस्ट डिस्प्ले क्या करा लें आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो मेमोरी ओवरफ्लो। देन आप चाहो तो इसका एग्जीक्यूशन टर्मिनेट करा सकते हो यूजिंग एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करने के लिए जस्ट यूज क्या कर लोगे आइदर एग्जिट फंक्शन और रिटर्न स्टेटमेंट। सिंपली इसके इसमें यूज कर रहा हूँ सी लैंग्वेज के अंदर प्रीडिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है एज अ एग्जिट फंक्शन। तो सिंपली इसके इसमें कॉल क्या कराएंगे एग्जिट विद एनी वैल्यूज मीन्स एग्जिट फंक्शन के अंदर कोई भी इंटीजर नंबर पास करना पॉसिबल है। देन अगर इसे इफ कंडीशन को चांस मिलता है देन मीन्स इसके इसमें अपने आप में रिप्रेजेंट किया करा सब रन टाइम एरर्स। देन इसके इसमें एग्जिट के थ्रू होल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाता है रिमेनिंग लॉजिक से एग्जीक्यूट होंगे क्या नेवर। देन बट सपोज अगर इफ कंडीशन फॉल्स है देन आप थर्ड स्टेटमेंट ट्राई करो क्या नेक्स्ट सॉरी एरे का साइज रीड किया इसके इसमें एक स्टेप में राइट डाउन करना भूल गया हूँ। देन रीडिंग एरे एलिमेंट्स यूजिंग कीबोर्ड रीडिंग पहले रीड क्या किया ओनली एरे के लिए साइज रीड हुआ है ना कि एलिमेंट्स रीड एरे आइटम्स और एरे एलिमेंट्स। एरे एलिमेंट्स रीड कराएंगे यूजिंग स्कैन एफ। तो इसके लिए मैं लॉजिक्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ सिंपली लूप मैनेज करेंगे 4i=0 लूप कहाँ से कहाँ तक एग्जीक्यूट करना अगर इस प्लेस पर 10 यूज कर दो डायरेक्ट मैक्सिमम साइज क्या है 10। तो इसके इसमें लूप एवरी टाइम कितनी बार एग्जीक्यूट होगा 10 टाइम्स वैल्यू कितने रीड होंगे 10 लेकिन वैल्यू आपको 10 रीड कराना और एन वैल्यू ओनली एन वैल्यू। तो इसके इसमें 10 के प्लेस पर जस्ट कंडीशन में क्या पुट करोगे ओनली एन। दिस इज द बेस्ट केस और सजेस्टेड केस और रिकमेंडेड केस। इस लॉजिक्स हमेशा कभी मैक्सिमम साइज के लिए मैंने नहीं करेंगे जब मैं इस फ्यूचर में जितने भी प्रोग्राम्स प्रोवाइड करूंगा सारे के सारे लॉजिक्स हमेशा एन के रिस्पेक्ट में इस टाइप से परफॉर्म कराएंगे। इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस फॉर यू। नेक्स्ट वन फॉर लूप के अंदर जस्ट वैल्यूज को रीड करने के लिए यूज क्या करेंगे स्कैन एफ फंक्शंस। स्कैन एफ के केस में जस्ट प्रोवाइड क्या करोगे %d एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई। इस केस में लूप ऑपरेंड कितनी बार एग्जीक्यूट हो और एन का वैल्यू 3 है तो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो 3 टाइम्स तो वैल्यू भी कितने रीड होंगे 3। फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या है 0 तो वैल्यू किसमें साइन होगा a0 में। नेक्स्ट वैल्यू किसमें साइन होगा a1 में। नेक्स्ट वैल्यू a2 में। जस्ट इसको मैं क्रिएट करने के साथ साथ एग्जीक्यूट भी करा रहा हूँ एन का वैल्यू कैंट किया था इस केस में 3। नेक्स्ट टाइम जैसे इस लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आई में क्या साइन हो रहा है वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 0। देन कंडीशन टेस्टिंग आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे 0 और एन का वैल्यू अगर मैंने 3 एंटर किया है देन कंडीशन किसके लिए चेक होगा 3 के लिए 0<3 फर्स्ट टाइम कंडीशन ट्रू हो। कंडीशन ट्रू हो देन चांस किसको मिलेगा स्कैन ऐप हो स्कैन ऐप के अंदर जस्ट पास करो एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई वैल्यू क्या करंटली 0 मीन्स किसका एड्रेस पास होगा a0 का और a0 थे एलिमेंट का एड्रेस क्या है 100। तो इस केस में जो भी वैल्यू रीड हुआ स्कैन ऐप से वैल्यू किस एड्रेस में साइन हो जाएगा जस्ट 100। सपोज दैट मैंने कीबोर्ड से एंटर किया 10 इस प्लेस पर साइन क्या हो जाएगा 10। क्लियर। नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या होगा i++ के अकॉर्डिंग i का नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1। देन अगेन फिर से कंडीशन टेस्ट होगा देन n का वैल्यू फिक्स्ड हो चुका है क्यों n का वैल्यू बार बार चेंज हुआ क्या नहीं लेकिन i का वैल्यू बार बार चेंज हुआ। नेक्स्ट टाइम i का वैल्यू क्या 1>3 कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है देन नेक्स्ट टाइम स्कैन एफ में आई के प्लेस पर क्या पास होगा आई का करंट वैल्यू 1। नेक्स्ट टाइम कीवर्ड से जो भी वैल्यू रीड होगा वो किस प्लेस पर साइन होगा एड्रेस ऑफ a1 और a1 का एड्रेस क्या है 102। तो रीडिंग आइटम किस प्लेस पर स्टोर है a ऑफ 1 और वी कैन से 102 क्योंकि एड्रेस क्या पास हुआ था 102। अगेन i++ होगा बॉडी एग्जीक्यूशन के बाद देन आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। देन कंडीशन किसके रिस्पेक्ट में टेस्ट होगा
टू के रिस्पेक्ट में, टू लेस देन थ्री, अगेन कंडीशन कैसा है ट्रू, कंडीशन फिर से ट्रू है, स्कैनएफ को चांस मिलेगा। स्कैनएफ में एड्रेस किसका पास होगा, ए ऑफ आई, और आई वैल्यू क्या है टू, तो इसलिए पास क्या होगा एड्रेस ऑफ ए ऑफ टू। डायग्राम में ए ऑफ टू का एड्रेस क्या है, जस्ट 104, तो पास क्या होगा 104। सपोज दैट मैंने 30 एंटर किया, देन 30 किस एड्रेस में साइन होगा 104। नेक्स्ट टाइम स्कैनएफ के बाद है बॉडी एग्जेक्शन के बाद आई प्लस प्लस होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में एग्जैक्टली 3, आई वैल्यू क्या चुका 3। देन 3 के केसेस में अगेन आई प्लस प्लस के बाद परफॉर्म क्या होगा कंडीशन टेस्टिंग, देन कंडीशन किसके लिए टेस्ट होगा आई वैल्यू 3, 3 लेस देन 3 कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा कंट्रोल कांस्टेंट होगा आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, मीन्स इस जस्ट लूप का वर्किंग क्या था, रीडिंग एलिमेंट्स फॉर अ गिवन एरे। आप चाहो तो इससे पहले जस्ट मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो, printf enter 3 एलिमेंट्स, n का मीन्स 10 एलिमेंट्स रीड कराना है, 3 एलिमेंट्स 3, इस कितने एलिमेंट्स रीड कराना है डिपेंड करेगा n, और n इस केस में n का वैल्यू कैसा है डायनेमिक, तो सिंपली डिस्प्ले करा लो एंटर परसेंट डी आइटम्स, एंटर परसेंट डी आइटम्स, और परसेंट डी के प्लेसेस पर डिस्प्ले क्या कराएंगे जस्ट वैल्यू ऑफ विच वेरिएबल, वैल्यू ऑफ एन, अगर एन का वैल्यू 3 है देन क्या डिस्प्ले होगा इस केस में एंटर 3 आइटम, और रन टाइम पर एन का वैल्यू 5 एंटर किया देन डिस्प्ले क्या हुआ एंटर 5 आइटम्स, क्लियर। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट वन नेक्स्ट रिक्वायर्ड केस क्या है, जस्ट कैलकुलेटिंग सम ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स, तो एरे के केसेस में बात करें टोटली इस केस में एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 10, लेकिन लॉजिकली एरे का साइज क्या है, लॉजिकल साइज क्या है एरे का एन साइज मीन्स 3, तो इस केस में एडिशन किसका कराना है प्लस जो भी रिजल्ट आएगा रिजल्ट किस में असाइन कराएंगे सम में, सम में असाइन क्या करा हुआ है सम ऑफ ए जीरो प्लस ए वन प्लस ए ऑफ टू, क्लियर। इसके बाद मीन्स एरे के अंदर एलिमेंट सॉरी स्पेस तो अवेलेबल है लेकिन रिमेनिंग स्पेस में कोई एलिमेंट मैनेज नहीं किया है। नेक्स्ट वन, देन अगेन इसके लिए अप्लाई क्या करेंगे फोर लूप, क्लियर, फिर से फोर लूप अप्लाई करोगे अगेन एरे के सारे एन एलिमेंट विजिट करने जा रहे हैं, देन इसके इसमें लॉजिक क्या रहेगा अगेन लूप स्टार्ट इंडेक्स स्टार्ट होगा जीरो से, कंडीशन क्या रहेगा आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, इसके इसमें कंडीशन स्टैटिक है डायनेमिक, अगर एन का वैल्यू 5 है देन लूप कितनी बार चलेगा 5 टाइम्स, एन का वैल्यू 3 है देन लूप कितनी बार चलेगा 3 टाइम्स। सम परफॉर्म करने का जस्ट लॉजिक क्या यूज करो, जस्ट सम इक्वल्स टू सम प्लस और एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ सम प्लस एवरी टाइम सम में ऐड क्या कराना, फर्स्ट टाइम सम का वैल्यू क्या है 0, तो फर्स्ट टाइम ये एडिशन किस में होगा 0 में, और एवरी टाइम सम में ऐड क्या कराना है ऑल एरे एलिमेंट, और एरे के एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट होते हैं ए ऑफ आई से, तो जस्ट इस केस में ऐड क्या कराएंगे वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई। देन फाइनली प्रिंटएफ के थ्रू जब कंट्रोल लूप से बाहर सेंड होते हैं वैल्यू किसका डिस्प्ले करा लो सम का, अगेन मैं इसका एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको। देन फिर से जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो इस लूप के अंदर आई का इनिशियलाइजेशन किससे हो जाएगा अगेन आई इक्वल्स टू 0, जबकि प्रीवियस वैल्यू क्या था आई का 3, तो नेक्स्ट टाइम आई फिर से रीसेट हो रहा है विद न्यू वैल्यू एज 0, क्लियर। नेक्स्ट वन कंडीशन टेस्टिंग, लूप के अंदर कंडीशन क्या है आई लेस देन एन, एन का वैल्यू फिक्स्ड है करंट एग्जीक्यूशन में 3, लेकिन आई चेंजेबल है, करंटली आई का वैल्यू 0 है देन कंडीशन किसके लिए टेस्ट होगा 0 के लिए, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन परफॉर्म क्या होगा बॉडी एग्जीक्यूशन, बॉडी में पहले सम परफॉर्म होगा सम, सम के प्लेस पर सम का एग्जिस्टिंग वैल्यू रिप्लेस करेंगे, और सम का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है इसके इसमें 0 प्लस ए ऑफ आई, ए ऑफ आई में आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे आई का वैल्यू, और आई का करंट वैल्यू क्या है ऑल्सो 0, फाइनली ए ऑफ 0 के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे वैल्यू ऑफ ए ऑफ 0, और ए ऑफ 0 में वैल्यू क्या स्टोर है 10, इसलिए इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ ऑल्सो 10, 0 प्लस 10 का सम क्या आएगा इस केस में रिजल्ट इज 10, देन ये 10 आसान किस में जाएगा वेरिएबल सम में, नाउ 0 इज रिप्लेस्ड बाय 10, क्लियर। नेक्स्ट वन बॉडी एग्जीक्यूशन बाद कंट्रोल कहां सेंड होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, देन आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग आई का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा 1, देन आई प्लस प्लस के बाद अगेन कंडीशन टेस्टिंग आई लेस देन एन, एन के प्लेस पर क्या रहेगा अभी भी 3, लेकिन आई का करंट वैल्यू क्या है 1, इसलिए रिप्लेस क्या करेंगे 1, 1 लेस देन 3 कंडीशन अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू फिर से बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन बॉडी पार्ट में करंटली अगर बात करें सम के प्लेस पर सम का एग्जिस्टिंग वैल्यू रिप्लेस, इस केस में टोटल 3 एलिमेंट्स है, इस केस में
फर्स्ट एलिमेंट तो ऐड हो चुका है, रिमेनिंग टू एलिमेंट्स ऐड कराना है। और रिमेनिंग टू एलिमेंट्स बिगिनिंग इस सम में आप ऐड कराओ तो करंटली प्रीवियस एलिमेंट का सम क्या है 10, इसलिए सम के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा 10, मीन्स प्रीवियस सम प्लस सम ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। और नेक्स्ट एलिमेंट क्या है इसके, इसमें ए ऑफ आई, आई का वैल्यू 1 है तो इस प्लेस पर रिप्लेस क्या करोगे वैल्यू ऑफ ए ऑफ 1। ए ऑफ 1 में क्या स्टोर है जस्ट 20, तो 10 और 20 दोनों ही एलिमेंट्स ऐड होंगे, इसका सम क्या आएगा 30। इससे अभी तक टोटल लूप के 2 इटरेशन हो चुके हैं तो इसलिए 2 एलिमेंट का सम कैलकुलेट हो चुका है विच इज 30, प्लस 30 आसानी किसमें जाएगा वेरिएबल सम में। क्लियर। नेक्स्ट वन कंट्रोल कॉन्स्टेंट होगा आई प्लस प्लस, अगेन आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट वन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्ट होगा देन आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करो 2 और एन का वैल्यू अभी भी क्या है 3, कंडीशन अगेन ट्रू, ट्रू है तो फिर से बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे, बॉडी के अंदर अगेन सम के प्लेस पर रिप्लेस क्या कराएंगे जस्ट सम ऑफ प्रीवियस एलिमेंट, प्रीवियस टू एलिमेंट का सम ऑलरेडी किसमें स्टोर है वेरिएबल सम के अंदर, इसलिए सम के प्लेस पर क्या जाएगा 30। अब प्रीवियस टू एलिमेंट का सम जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट के साथ परफॉर्म, नेक्स्ट एलिमेंट क्या 30 विच इज ए ऑफ 2, इसलिए नेक्स्ट टाइम ए ऑफ आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा आई के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे आई का वैल्यू, और आई का करंट वैल्यू क्या है 2। देन ए ऑफ 2 एरे के अंदर ए ऑफ 2 में क्या स्टोर है ऑल्सो 30, ए ऑफ 2 का वैल्यू क्या है 30, रिप्लेस क्या 30, दोनों का सम क्या रहा 60। देन इन तीनों ही एलिमेंट का सम स्टोर हो चुका है, कैलकुलेट हो चुका है सम आसानी के सम वेरिएबल सम के अंदर, नाउ 30 इज रिप्लेस्ड बाय 60। क्लियर, मींस प्रीवियस एलिमेंट का सम ऑलवेज मेनी किस मोर इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल सम, इस टाइप के लॉ ऑलरेडी मैंने मेंशन किए थे इन केस ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट वन फाइनली नेक्स्ट टाइम अगेन परफॉर्म क्या हुआ आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होने से आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। देन अगेन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्ट कराएं तो उसके इसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग आई के प्लेस पर क्या आएगा 3, 3 लेस देन 3 कंडीशन बिकम फॉल्स, जैसे कंडीशन फॉल्स हो कंट्रोल कॉन्स्टेंट हो आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, देन लूप के बॉडी के बाद जस्ट डिस्प्ले क्या कराना रिजल्ट, रिजल्ट में डिस्प्ले क्या कराना सम ऑफ एरे, जस्ट प्रिंट एफ। मीन्स इस केस में मेरा मोटिव ये नहीं था कि आपको सम परफॉर्म कराना या सम करना सिखाना, मेन मोटिव क्या है इस केस में जस्ट हाउ टू प्रोसेसिंग एरे एलिमेंट्स और हाउ टू अप्लाइंग ऑपरेशंस फॉर ऑल एरे एलिमेंट्स यूजिंग लूपिंग स्टेटमेंट्स। क्लियर, या फाइनली लूप के थ्रू एरे के एलिमेंट इंटरनली किस टाइप से प्रोसेस करो, मीन्स जस्ट आप लूप फॉर लूप के थ्रू मैनेज कर सकते हो, देन एरे के लिए कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करना देन एरे के अंदर इंडिविजुअल इंडेक्स यूज ना करके आप इंडेक्स के प्लेस पर यूज क्या करोगे आई, आई मीन्स आई रिप्रेजेंट क्या करेगा ऑल एलिमेंट ऑफ एरे।